हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम जा रहे हैं काली माता के स्थान पे कढ़ाई चढ़ाने, जो यहाँ पे हर फसल पे चढ़ती है। गेहूँ जब मतलब बोआ के कटता है तो भी कढ़ाई चढ़ाया जाता है, और धान जब मतलब बो के और काटते हैं तो भी इधर कढ़ाई चढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए, हम फाइनली पहुँच गए हैं काली माता के स्थान पर। अब हम उतारेंगे टोकरे को, और यहाँ पे देखिए उतर गया, और लकड़ी भी साथ में हम लेके आए हैं। और यहाँ पे देखिए, ईंट का चूल्हा हम बना रहे हैं, ईंट के चूल्हे पे ही हम बनाते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ईंट का चूल्हा बन गया है। अब हम लकड़ी से चूल्हा जलाएंगे, और कढ़ाई को रख दिए हैं चूल्हे पे, और कढ़ाई में मिट्टी लगा दिए हैं ताकि कढ़ाई जले ना। तो अब हम आगे जला लेंगे। और यहाँ पे देखिए, हमारी मम्मी जी और हम दोनों जन आए हैं चढ़ाने के लिए। यहाँ पे मम्मी जी चढ़ाएंगी और हम बेल के देंगे। और यहाँ पे देखिए, सारे गांव के औरतों मतलब आती हैं, एक ही दिन नहीं आता है, जिसको आगे पीछे जाना रहता है, बारी बारी से अपना जाके चढ़ाता है। यहाँ पे देखिए, आटा हमने घर से लगा के लाया था, फिर इसे थोड़ा सा और मसल लेंगे, क्योंकि हवा चल रही है ना, तो सूख जाता है थोड़ा, तो इसे हम और नरम कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए, कितने सारे लोग चढ़ा रहे हैं यहाँ पे पूजा। ऐसे एक एक करके जिसको आगे पीछे जाना रहता है, एक दिन दो दिन बाद तक मतलब आषाढ़ लगने से पहले कढ़ाई चढ़ जाती है पूरी। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए कोई कोई अंदर चढ़ा रहा है, और ये देखिए काली माता का स्थान है, इतना बड़ा स्थान है। और यहाँ पे देखिए, साइड में पीपल का पेड़ है, और ये देखिए एक छोटा सा तालाब है, एकदम छोटा भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए, हमने पहले 10 पूड़ी बना रहे हैं छोटी छोटी काली माता को चढ़ाने के लिए। तो ये हम घी में तल के निकालेंगे, ये देखिए। यहाँ पे देखिए, कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है, और अब हम पूरी को छोटे छोटे में बेल लेंगे। तो पहले काली माता को चढ़ाने वाला 10 पूरी घी में निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, पूरी बेल गई है और घी भी गर्म हो गया है। अब पूरी डालेंगे तेल में, मतलब घी में। ये देखिए, कितने अच्छे से फूल रही है पूरी। तो इसे हम पाँचों मतलब 10 पूरी को तल के निकाल लेंगे पहले। और यहाँ पे देखिए, कितने अच्छे से बत्तख इसमें पानी में तैर रहे हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे से हैं। बहुत अच्छा साफ सुथरा तालाब है, देखिए कितने अच्छे से डिजाइन में बना है, बहुत बड़ी बगीचा भी है। ये देखिए, कितना अच्छा मंदिर का लोकेशन है। ये देखिए, जिसका मर्जी चाहे वो अंदर भी खाना बना रहा है, और जिसका मर्जी वो बाहर बना रहा है। ये देखिए, कितने सारे लोग जमा हो गए हैं इकट्ठा। तो यहाँ पे देखिए, फाइनली घी वाली पूड़ी मतलब काली माता को चढ़ाने वाला निकल गया है। अब यहाँ पे हम सरसों के तेल में सारी पूड़ियों को तल के निकाल लेंगे। ये प्रसाद बना रहे हैं मतलब बांटने को, घर में खाने को। तो यहाँ पे देखिए, अभी इसे भी हम तल लेंगे। अब इनका लपसिया बना ले। और यहाँ पे देखिए, बहुत सारे आके बैठते भी हैं गांव में से, क्योंकि इधर खुला रहता है, हवा भी बहुत अच्छी चलती है। और ये देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, कितने सारे बच्चे जमा हो गए हैं यहाँ पे, इकट्ठा हो गए हैं। और आम के पेड़ भी हैं, देखिए इस पे आम भी लगे वाले हैं। सब ये आते जाते हैं, सब लोग इधर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, पूरी सारी तल गई है। अब हम बनाएंगे आटा का हलवा। यहाँ पे देखिए, कुछ नहीं डालेंगे। और देखिए, आटा का हलवा हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, कढ़ाई में तेल थोड़ा बच गया है, इसमें हमने आटे को डाल दिया है। और आटे को खूब लाल होने तक भून लेंगे, जब तक आटा खूब अच्छी तरह से लाल सुनहरा कलर नहीं हो जाता है, गोल्डन ब्राउन, तब तक हम आटे को ऐसे चला चला के भूनेंगे। और यहाँ पे
देखिए मंदिर पे अभी भजन चालू हो गया है। तो यह देखिए आटा अच्छी तरह से भून गया है, मैंने ब्राउन कलर हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, शक्कर डालेंगे पहले, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो देखिए मम्मी जी डाल रही हैं चीनी है। और ये अपने हिसाब से जितना कम या ज़्यादा मीठा खाना रहता है उसी हिसाब से डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पाव चीनी लगभग हम डाले हैं, एक पाव आटा भी था, तो अभी चीनी आटा भून गया है। तो देखिए अब डालेंगे हम पानी, और पानी को डाल के हम थोड़ा पानी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि अच्छे से उबल जाएगा, पक जाएगा, नहीं तो कच्चा रह जाता है हलवा। तो अब यहाँ पे कोई कोई सूजी का भी हलवा बनाता है, बट हम सब आटे का ही बनाते हैं क्योंकि वही पहले चढ़ता था तो अच्छा भी लगता है, तो इसलिए वही बनाते हैं। तो देखिए फाइनली हलवा बन के तैयार हो गया है, इसे हम लपसी भी बोलते हैं। पूरी के साथ में खाने में गर्म गर्म बहुत अच्छा लगता है, और ये प्रसाद भी रहता है माता जी का। देखिए बच्चे खाने के लिए काफ़ी बेताब हैं कि जल्दी बनाओ हम खाएंगे। ये देखिए इसको चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तब तक हमारी लपसी पक रही है यानी कि आटा का हलवा, और तब तक आप आनंद लीजिए इस अच्छे से नदी के मतलब तालाब का। देखिए कितने अच्छे से इसमें बत्तख तैर रहे हैं, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइनली लपसी भी बन के तैयार हो गया है। देखिए नल भी है यहाँ पे, तो अब हम जल भरेंगे मतलब धार चढ़ाने वाला, पूजा करने वाला माता जी को। तो यहाँ पे देखिए दो लोटे में हम ले रहे हैं। देखिए नल थोड़ा पानी कम निकल रहा है इसमें से, कुछ इसमें शायद ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे देखिए हमने ले लिया, थोड़ा सा हाथ धो ली हूँ, हाथ पैर धो ली हूँ क्योंकि पूजा करने का है ना। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा सब चीज़ बन के रेडी हो गया, अब हम चल रहे हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम पांच पांच पूड़ी अलग अलग ले रहे हैं क्योंकि अगले मतलब जब धान कटा था ना तो भी पूजा नहीं चढ़ा था, तो मम्मी जी अकेली थी इसलिए शायद नहीं चढ़ाई होंगी। तो इसी बार दोनों वाला मतलब दोनों बार का चढ़ रहा है एक ही साथ में, अलग अलग आटा कर दिए थे हम लगा लिए थे। यहाँ पे देखिए पांच पांच पूड़ी हम अलग अलग चढ़ाएंगे, और एक घनई बाबा हैं उनका अलग चढ़ाया जाता है यहीं से, तो कोई कोई जाके उधर भी चढ़ाता है बट हम लोग यहीं पे उनका नाम लेके चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जी को मालूम है तो अलग अलग कर रही हैं कितना कितना क्या क्या चढ़ाना है, तो देखिए लगा रही हैं सबसे। तो यहाँ पे देखिए फाइनली अब हम लपसी को पूड़ी के ऊपर रख देंगे, और ये देखिए इसे अब उतार भी दे रहे हैं नीचे, नहीं तो नीचे पकड़ लेगा ये क्योंकि चूल्हे में आग है ना। तो अब हम चलेंगे पूजा करने के लिए। यहाँ पे देखिए पूड़ी और लपसी हमने रख लिया, अब ये धार है जो पानी में जल में डाल के चढ़ाया जाता है काली माता जी को। तो यहाँ पे धार मम्मी जी लोटे में डाल दी हैं, और पानी दोनों मिक्स करके यहाँ पे चढ़ाया जाता है। ये देखिए अब हम जा रहे हैं चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे अगरबत्ती लिए हैं, अगरबत्ती भी जलाया जाता है, साथ में कपूर और लौंग भी जलाया जाता है। ये देखिए अब हम सब जा रहे हैं चढ़ाने के लिए माता जी को। यहाँ पे देखिए है काली माता, तो यहाँ पे देखिए कितने सारे भीड़ हैं, और थोड़ा वीडियो में अच्छे से नहीं दिखेगा शायद क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं ना, तो इसलिए। ये देखिए काली माता का मंदिर है, और यहीं पे वो पांच पूड़ी और लपसी चढ़ाएंगे, और धाग भी थोड़ा चढ़ा देंगे, और साथ में कपूर लौंग भी जला देंगे, और अगरबत्ती भी। देखिए इसी तरह से यहाँ का पूजा होता है।
तो यहाँ पे देखिए आरती वाले में हम कपूर डाल के थोड़ा सा माता जी का आरती भी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जी भी आरती की हैं और मैं भी, ये देखिए पंडित बाबा जी यहाँ पे खड़े हैं। तो चलिए अभी हम इनका पूजा काली माता का हो गया और बगल में बजरंग बली जी हनुमान जी और शंकर भगवान उनका भी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे चल रहे हैं यहाँ से वहाँ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बजरंग बली जी हैं और ये दुर्गा माता जी हैं और यहाँ पे भोलेनाथ शंकर भगवान हैं। तो इन्हें भी सब धार और कपूर लौंग वगैरह चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और आरती उतारते हैं। देखिए कितने सारे लोग पूजा कर रहे हैं। तो उसी तरह से हम लपसी पूड़ी भी यहाँ पे भी तो पूड़ी और लपसी साथ में चढ़ा देंगे। ये देखिए चढ़ा दी हमने और पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मंदिर का पूजा हो गया है। अभी हम तालाब के किनारे भी क्या बोलते हैं मतलब सूर्य भगवान उनको शायद चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे इधर पीपल के नीचे भी पूजा कर लेंगे। ये देखिए छठ माता के पूजा के लिए कितने सारे वेदी बनाया गया है यहाँ तालाब के किनारे किनारे। तो यहाँ पे देखिए सूर्य भगवान का नाम लेके मतलब इधर भी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबकी पूजा हो गई है और चढ़ गया है। अब हम चल रहे हैं, खाएंगे थोड़ा थोड़ा प्रसाद पूरी लपसी खाएंगे, उसके बाद हम घर पे जाएंगे। तो देखिए इस तरह का लोकेशन है मंदिर के साइड साइड का। देखिए कितने अच्छा व्यू है, यहाँ पे खेत वगैरह भी हैं और पेड़ भी है आम का खाने वाला। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।